देखिए बिहार में भले ही मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर बारिश ना होने की वजह से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे बच्चों को हो रही है जिनका स्कूल खुल गया है। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी और गर्मी की छुट्टी के बाद 15 जून के बाद से स्कूलों के खुलने का सिलसिला जो है पूरे बिहार भर में शुरू हो गया था। लेकिन देखिए अब भीषण गर्मी की वजह से बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न हो रही हैं और ऐसे में बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो अब बिहार के सभी ज़िलों में जो है डीएम अपने अनुसार बिहार के स्कूलों का जो खुलने का समय है, जो तारीख है, उसमें बदलाव किया जा रहा है। उसी क्रम में बिहार की राजधानी पटना में भी गर्मी की छुट्टी को बढ़ा दी गई है। अब बता दें कि जिलाधिकारी ने इसका एक निर्देश जारी करके कहा है कि 28 जून तक स्कूल जो है वो बंद रहेगा, यानी कि 28 जून के बाद स्कूल अब खुलेगा। ऐसा बिहार के कई जिलों में किया गया है, लेकिन राजधानी पटना में 18 जून तक ही ये पूरा मामला था, लेकिन उसे बढ़ाया गया 3 दिन के लिए। और अब देखिए जो खबर सामने आ रही है कि 28 जून तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार में मॉनसून के एक्टिव होने के बावजूद भी उमस भरी गर्मी से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बढ़ती गर्मी को देखते हुए पटना के सभी स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का निर्देश पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में अधिकतम तापमान बढ़ने और ख़ास तौर पर दोपहर के समय पड़ रही उमस भरी गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पूर्व के आदेश के विस्तारित करते हुए पटना के सभी स्कूलों, सरकारी और गैर सरकारी यानी कि निजी और सरकारी स्कूलों को 12वीं तक के कक्षाओं का संचालन 28 जून तक बंद रहेगा। आपको बता दें कि बिहार में गर्मी को देखते हुए सभी जिलाधिकारी थे, उन्होंने 11 जून को आदेश जारी किया था कि इसके बाद से 18 जून तक बंद कर दिया गया, लेकिन अब 24 जून तक बंद किए गए। अब देखिए 28 जून तक पटना के सभी स्कूलों को बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। 1 से 12वीं तक के कक्षा के सभी स्कूल 28 जून तक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार के कई ज़िलों में गर्मी का सितम जो है वो जारी है। ऐसे में तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं अपने अपने हिसाब से स्कूलों के समय सारणी में बदलाव कर रहे हैं। चाहे रोहतास की बातचीत करें, सिवान की बातचीत करें, सुपौल की बातचीत करें, दरभंगा की बातचीत करें, किशनगंज, कटिहार, उसके बाद आपको बताएं कि छपरा का, मोतिहारी का, पूर्वी चंपारण, इन तमाम ज़िलों में अपने अपने अनुसार जो जिलाधिकारी हैं वो स्कूलों के छुट्टी, जो गर्मी का छुट्टी होता है उसमें उन्होंने बदलाव कर दिया है, समय सारणी में बदलाव किया है, तारीखों में बदलाव कर दिया है, क्योंकि गर्मी का जो सितम है और ख़ास तौर पे बारिश ना होने की वजह से जो चिलचिलाती धूप का असर देखने को मिल रहा है। मॉनसून भले ही एक्टिव है, लेकिन बिहार में बारिश कहीं पर भी उतनी असर नहीं दिखा रही है, जिस वजह से ये फैसला जिलाधिकारियों के द्वारा लिया जा रहा है। तो पटना में अब 28 जून तक सभी सरकारी, गैर सरकारी यानी कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 28 जून तक बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।